जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवान लहराएंगे। योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। वही चला रहे हैं और वही चला रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे भगवा की गाने की धूम मचाने वाले, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग सजने लगा है। जैसे गानों से पूरे देश में धूम मचाने वाले राजस्थान के मूल भजन गायक कन्हैया लाल मित्तल ने कहा है कि उनका सरोकार राजनीति से नहीं, सिर्फ धर्म, संस्कृति और धर्म की बात करने और उस राह पर चलने वालों से है। यूपी के विधानसभा चुनाव में मेरा गाना जो राम को लाए हैं भी इस उद्देश्य में समाहित था। कन्हैया लाल मित्तल डुमरियागंज की कार्यक्रम में रवाना होने से पूर्व गोरखपुर में थे। गोरखपुर प्रवास के दौरान उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ बाबा का दर्शन कर विधि विधान से पूजन किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मित्तल ने कहा कि उन्होंने संकल्प लिया है कि जो नेता धर्म की बात करेगा उसकी बात दुनिया तक पहुंचाऊंगा। इसी संकल्प के अनुसार श्री राम की शक्ति से ही उनका गाना राम और संत योगी आदित्यनाथ के मिलन के चलते लोकप्रिय हुआ। हम तो राजनीति से इधर गाते फिरते हैं, ना फूल के बंदे ना हाथ के बंदे हैं, जो राम के बंदे हैं हम उनके बंदे हैं। आज आप गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करने आए, क्या कुछ रहा दर्शन की? देखिए, गोरखनाथ जी के बारे में पहले मुझे कम जानकारी थी, मगर आदरणीय योगी सोमनाथ जी ने पूरी जानकारी पूरे मंदिर में मुझे दी। और हमारे हरियाणा में भी कई स्थान हैं, कई नाथ पद्धति है जो कार्य कर रही है, जो रही हैं, और सही मायने में इतनी पॉजिटिविटी इस जगह पर है कि उत्तर भारत के भी मैं संपूर्ण हमारे भारतवासियों से, भक्त प्रेमियों से कहूँगा कि एक बार गोरखनाथ के दर्शन करने यहाँ पर जरूर आए। अच्छा, कुछ गाने आपके हैं काफी यूपी चुनाव में भी हिट गए और अलग हर जगह, कौन कौन से गाने थे, गाने और आपका आ रहा है कुछ? देखिए, यूपी चुनाव में हमने खासकर योगी जी के लिए गाया, जिसके अंदर 3-4 गाने ऐसे थे जिनको बहुत प्रसिद्धि मिली, जिसके अंदर मुख्यतः तो जो राम को लाए हैं, एक और हमने गाया था के योगी आए, योगी जी आए, योगी आए हैं, योगी जी आए, योगी जी को यूपी में लाए दोस्तों, यूपी में भगवा लहराए दोस्तों, योगी आए हैं, योगी जी आए, योगी जी का आना जरूरी है, इनके बिना मथुरा अधूरी है, योगी आए हैं, योगी जी आए, यूपी को भगवे से ढांप दोस्तों, दो यूपी को भगवे से ढांप दोस्तों, यूपी में भगवान ले रहे दोस्तों, योगी आए हैं, योगी जी आ गए। तो उपचुनाव चल रहा है, ऐसे में कुछ कोई गीत और? देखिए, उपचुनाव चल रहा है, लेकिन हम लोग, हमें अपने भक्ति क्षेत्र से ही हमें फुर्सत नहीं मिल पाती है। ये पुनः मैं बता दूं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये भजन छत्तीसगढ़ में लिखा गया, और जिस समय लिखा गया उस समय कन्हैया मित्तल को यह भी नहीं पता था कि यूपी में चुनाव भी है, क्योंकि मेरा क्षेत्र धर्म का क्षेत्र है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में राम मंदिर से दर्शन करके निकला, तो छत्तीसगढ़ में भी राम मंदिर के सामने योगी जी की तस्वीर लगी हुई थी। मैंने किसी को पूछा ये तस्वीर यहाँ क्यों लगी है, तो बोले यहाँ मंदिर बनने में तकलीफ आ रही थी, तो योगी जी के सानिध्य से यहाँ भी हम राम को ले आए। तो मेरे दिमाग ने बोला कि जब रायपुर में राम को ले आए तो फिर यूपी वाले राम को क्यों नहीं लेकर आ रहे, तो इसलिए उसको लिखा गया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कन्हैया लाल मित्तल ने कहा कि वह पहली बार गोरखपुर आए हैं, यहाँ गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन कर तथा इस शहर के विकास को देखकर अतिभूत हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि एक निस्वार्थ संत से श्रेष्ठ नेतृत्वकर्ता कोई और नहीं हो सकता। देखिए आप भी हमारी खास रिपोर्ट नारद रिटर्न न्यूज पर। नहीं लेकर आ रहे, तो इसलिए उसको लिखा गया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम
भगवान लहराएंगे। योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। वही चला रहे हैं और वही चला।